सीरीज शुरू होने वाली है फेवरेट? मैंने थोड़ी देर पहले आपको आंसर दिया इसका. फेवरेट इंडिया पाकिस्तान गेम में कोई नहीं होता. यू नो आई रिमेम्बर के एक दफा हमने 86 की 85 की बात है कि इंडिया को हमने आउट किया 125 में. इमरान भाई ने 6 विकेट ली शारजा में. वातिम को एक दफा ग्रीन विकेट थी और उस कुछ पे पाकिस्तान आउट हो गया था. 87 पे हम आउट हो गए थे. बिकॉज सो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का मजा ही है कि प्रेशर इतना होता है कि दोनों टीमों में चाहे नाम बहुत बड़े हों एक में ना हो मगर जब फील्ड पे आते हैं तो वो ऑलमोस्ट 50-50 हो जाता है. सो ऑब्वियसली पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रांग है. विकेट टेकिंग बॉलर हैं सईद अजमल है, उमर गुल है और यहां से पाकिस्तान इंडिया की बॉलिंग थोड़ी ऑन द वीकर साइड है. इनकी बैटिंग स्ट्रांग है. सो मेरे ख्याल में दोनों आई मीन इक्वली बैलेंस्ड है. इंडिया को थोड़ी सी एज होगी होम एडवांटेज की. बकार ऑफ कोर्स पाकिस्तान जी. मेरे ख्याल में पाकिस्तान फेवरेट है. नाउ टू बी ऑनेस्ट आई थिंक इट शुड बी अ गुड सीरीज क्योंकि दोनों टीमें काफी बैलेंस्ड हैं. ठीक है पाकिस्तान ऑन पेपर आई गेस इतनी बड़ी टीम नहीं है, इतने बड़े नाम नहीं है लेकिन एज अ यूनिट आई थिंक द वर्क वेल. हाफिज की कप्तानी में आई थिंक थोड़ा बेहतर हो रहा है डे बाय डे. तो आई थिंक जब यहाँ आएंगे होम एडवांटेज जरूर होता है लेकिन होम प्रेशर भी होता है और स्पेशली इतनी बड़ी सीरीज जो पाकिस्तान इंडिया की होती है तो इसका होम प्रेशर भी अब्सॉर्ब करना बड़ा मुश्किल होता है. तो आई थिंक ओवरऑल भी 50-50 आई वुड से. आई कांट पुट एनीबडी अ फेवरेट. सौरभ देखिए मैं सिर्फ यही चीज कहना चाहूंगा कि जो डिफरेंस मुझे दिखता है इंडिया पाकिस्तान में टैलेंट की डिफरेंस नहीं है, मुझे लीडरशिप की फर्क देखता है. और पाकिस्तान जब इंडियन क्रिकेट को डोमिनेट किया था, इंडिया को जब हराते थे वो उन टाइम लीडर्स देखे, इमरान खान, वजीम अकरम, शायद वकार भी थोड़े टाइम के लिए कप्तान थे जब इंडिया पाकिस्तान और पाकिस्तान जीतते थे. तो मेरे हिसाब से दोनों टीमों का स्किल्स में फ़र्क नहीं लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज में फ़र्क है और प्रेशर हैंडल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है जो शायद इंडिया ने ऑफ लेट ज़्यादा अच्छा किया पाकिस्तान से. और इससे आपको वर्ल्ड कप का जो परफॉर्मेंसेज है, जो रिकॉर्ड है, उससे पता चलता है कि नहीं प्रेशर में इंडिया ज़्यादा अच्छा रिएक्ट करते. शायद इस सीरीज़ में कम हो क्योंकि 5 मैच की सीरीज़ है, आपको वापस आने का टाइम मिलेगा. बट मैं इंडिया को आगे रखूँगा क्योंकि लीडरशिप की तरफ से हम आगे हैं जी. अजर आप किस, आपका फेवरेट? मैं समझता हूँ कि जो लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप हुआ था 2011 में, उसके बाद में इंडियन टीम में काफ़ी इतने ज़्यादा कोई नए खिलाड़ी आए नहीं है. तो मैं समझता हूँ कि ये सीरीज बहुत बैलेंस सीरीज होगी और क्योंकि दोनों टीम बहुत अच्छे हैं, बॉलर्स भी अच्छे हैं और बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं. बट लेकिन जो जैसा कि बखार ने पहले कहा था कि जो नर्व्स अपने काबू में रखेगा और उसको उसके ऊपर हावी हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि वही टीम जीतेगी. क्योंकि जो वनडे मैचेस में फेवरेट टीम ऊपर नीचे होना बहुत इतना आसान नहीं होता है क्योंकि कभी भी चेंज हो सकता है मैचेस में. कपिल जी इतना कुछ कह दिया इतना ही छोड़ दो. ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा बहुत इमेजिनेशन अपने आप कर लो और बाकी इंतज़ार करेंगे जब पाकिस्तान टीम आएगी. लेट्स बेस्ट टीम विन. हार्ट यही कहता है, दिमाग भी यही कहता है इंडिया जीते. लेकिन क्रिकेट के हैसियत से ये कहूँगा जो अच्छा खेले वो जीत के जाए और साथ में रिलेशन अच्छे हों जिसकी आज क्रिकेट से भी ज़्यादा ज़रूरत है. चले और इमरान आपके हिसाब से कौन फेवरेट भारत पाकिस्तान इतने लंबे वक्त के बाद उतर रहे हैं साथ मैदान पर? देखिए मैंने जो लास्ट पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच देखा था वो वर्ल्ड कप पिछले साल था. उसके बाद मुझे कोई मौका नहीं मिला क्रिकेट देखने का क्योंकि आपको पता है मैं किसी और बॉल गेम में ज़्यादा मसरूफ़ हूँ. मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो वसीम ने बात की कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच होता है तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाता है जो इक्वलाइजर बन जाता है और वो है प्रेशर. प्रेशर को कौन बेहतर हैंडल करता है? पिछले वर्ल्ड कप में सिर्फ पाकिस्तान इसलिए हारा कि उन्होंने प्रेशर को हैंडल नहीं किया. हिंदुस्तान को ने बार बार मौका, प्रेशर हिंदुस्तान पे भी था, उन्होंने बार बार मौका दिया पाकिस्तान को कि आप भी मैच जीत लें. लेकिन हमारे उस वक्त जो हालात नज़र आ रहे थे वो बेचारे वो हारने से इतना डर रहे थे कि उन्होंने वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी. तो अब डिपेंड करता है, मैंने हफीज़ को कैप्टन सीट करते नहीं देखा लेकिन डिपेंड करता है कि अब ये जो ये जिस तरह का जो अभी आपकी बातचीत हो रही थी कि एक मीडिया नहीं प्रेशर डालता, अवाम का प्रेशर होता है. आप स्टेडियम पे जाते हैं, पहले से स्टेडियम भरा होता है, आप शाम को
होटल की लॉबी में होते हैं तो जो आ रहा होता है आपका सपोर्टर कि आपने कल मैच जीतना है, टेलीफोन आप बंद सुनते ही नहीं है, अब तो खैर मोबाइल फोन से, हमारे जमाने में तो वो होटल का टेलीफोन बजता था, सारी रात टेलीफोन बजता था, जो आपको जानता था कि जी आपने कल मैच जीतना है, तो वो प्रेशर इतना पड़ जाता है कि प्लेयर्स जब ग्राउंड पे पहुंचते हैं तो कौन सी टीम प्रेशर को बेहतर लेती है, और वो एक्चुअली डिसाइसिव फैक्टर होता है। तो मैं प्लेयर्स को तो नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि जब पहला मैच शुरू होगा तो जब वो प्लेयर्स ग्राउंड पे जाएंगे, वो टीम जो हैंडल करेगी प्रेशर को, और जो कैप्टन, इसमें गंगोली के बिल्कुल ठीक इनकी बात है कि कैप्टन का प्रेशर पे बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है तो सारी टीम कैप्टन की तरफ देखती है, कैप्टन खड़ा हो जाए प्रेशर में तो वो टीम को साथ खड़ा कर देता है।